और अब हम मेजर जनपद ऑफ राजस्थान राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख चार जनपद थे जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी जनपद। फर्स्ट जांगल देश, ये बीकानेर जो प्रेजेंट बीकानेर और जोधपुर को मिला के बनता था, और इस जांगल देश का जो राजा था वो जो बीकानेर का राजा जांगल देश का राजा होता था, तो इसीलिए आज भी जो बीकानेर की जो शाही मोहर होती है वहाँ पे जय जांगलधर लिखा हुआ होता है। और इसकी जो कैपिटल है वो प्रेजेंट नागौर यानी कि उस टाइम की अही छत्रपुर थी। सेकेंड है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जो जयपुर के अराउंड जो जयपुर के आसपास का रीजन था वो था मत्स्य जनपद। इसकी जो कैपिटल थी वो हमने माँ जनपद में देखी थी, इसकी कैपिटल थी विराटनगर जो कि अभी बैरठ के नाम से जाना जाती है। और महाभारत पीरियड में शहद नाम का एक राजा था, उसने मत्स्य जनपद पहले चेदी में आता था, फिर उसने इसको चेदी से मगध में मिलाया। थर्ड सूरसेन जनपद, इसका सूरसेन यानी हमने इसकी कैपिटल देखी थी मथुरा, तो मथुरा जो ब्रिज वाला रीजन था। अब चूंकि राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में जो ब्रिज रीजन था वो अलवर में, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर का पूर्वी भाग भरतपुर, पूरा, करौली और धौलपुर था। इसको आप ट्रिक के लिए ABCD ऐसे भी याद कर सकते हैं। और थर्ड है शिवी जनपद। शिवी जनपद की जो कैपिटल थी वो शोरकोट थी जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। जो शिवी रीजन के लोग थे वो पंजाब में रहते थे, साउदर्न पंजाब के थे, और जब अलेक्जेंडर ने वहां पर हमला किया तो वो पंजाब से मेवाड़ में आ गए। मेवाड़ से शिवी कॉइंस भी एक्सक्यूटेड हुए। और उस टाइम की जो सबसे बड़ी जो अभी जैसे हमारे विधानसभा, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो उस टाइम जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो थी संथागार। वहाँ पे जो जनपद का जितना भी काम कार्यकाल था वो संथागार में होता था। और अनुविरोध था, जैसे उस संथागार में जो कैंडिडेट्स थे उनको कुछ गिने चुने टॉपिक्स दे रखे थे, उनपे वो चर्चा करते थे, उनपे वो वाद विवाद करते थे, तो उसको अनुविरोध कहते थे। इसके अंदर वो वोटिंग्स भी करते थे, तो वोटिंग्स के लिए वो कलरफुल चिट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद यही है, बाकी ऐसा आपको बुक में बहुत सारा मिलेगा लेकिन मोस्टली मोस्ट जो है वो यही है।